Good morning, student. Myself Pratima Jaiswal, and I'm your science teacher. And in the class, I told you, I teach you nutrition in plants. कि पौधों में पोषण कैसे मिलता है बच्चों, तब मैंने तब भी बताया था कि हरे सभी प्राणियों को पोषक तत्व बहुत ज़रूरी है, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जीवन में जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो चाहे पौधे हो चाहे एनिमल हो। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब पौधों को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, वो किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, वो किस किस विधियों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो और अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले चैप्टर में आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था, तो आपने अगर उसको होमवर्क को आपने कम्प्लीटली कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं कर पाए, किसी वजह से वो उसको फाइंड नहीं कर पाए हैं, क्वेश्चन सब नहीं कर पाए हैं, उनके लिए नोट्स मैं कैंपस एप्लीकेशन में ऐड कर दूंगी। आपके क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ होगी वो मैं ऐड कर दूंगी, और क्लास चैप्टर फर्स्ट का जो नोट्स है वो भी कैंपस ऐप में अपलोड कर दूंगी, और चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप अपनी कॉपी को वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, सभी बच्चे अपना अपना काम पूरा करेंगे, और इसके लिए आप कैंपस ऐप की मदद ले सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट डाटा मिल सके, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल सके और अपने चैप्टर को पूरा कर सके। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आपकी डाउट क्लासेस शुरू होने वाली, जल्दी आपकी डाउट क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप उसमें ऑनलाइन आके अपने टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कहीं भी कोई डाउट मत रखिए, और अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन कम्प्लीटली चालू रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि जैसे न्यूट्रिशन किस लिए आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि जीवन को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमें भोजन के न्यूट्रिशन से ही मिलती हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में यू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले चैप्टर आपने, जैसे मैंने भी बताया आपको कि पहले चैप्टर में आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़े थे, अब एनिमल्स। अब यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ कि हमारे जो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं, किसी प्रकार चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे हमारा फ्रॉग हो, चाहे हमारा काऊ या हम खुद, ये कोई भी किसी प्रकार का एनिमल जो है उनमें, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, क्योंकि पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो हम में से किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता, इसलिए हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। हम केवल भोजन को पकाते हैं, अपने अपने शरीर में डाइजेस्ट होने लायक बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते, तो उनमें न्यूट्रिशन की अलग अलग टेक्निक थी, और हम सभी क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, हम न्यूट्रिशंस के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। जो पौधे भोजन बनाते हैं हम उन्हीं को ग्रहण करते हैं, उन्हीं से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। और सभी एनिमल्स का भोजन कैप्चर करने का तरीका अलग अलग है, जैसे कि सबसे पहले आपको देखिए बटरफ्लाई दिखाया जा रहा है, यूज्ड टंग टू कैप्चर फूड, ये अपनी जीभ को यूज करती है कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ये फूलों का नेक्टर चूसती है, ये हनी बनाती है या शहद बनाती है, सॉरी हनी भी शहद बनाती है, लेकिन ये भी फूलों का नेक्टर चूसती है, और हनी भी फूलों का नेक्टर चूसती है, नेक्टर मतलब फूलों का रस होता है। तो ये बटरफ्लाई अपने जीभ से उसे फूलों के रस को शक करती है, और हमारा जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर टंग, इसकी जीभ बहुत लंबी होती है, ये इसको रोल करके अपने मुंह के अंदर रख लेता है, जब कोई शिकार या कोई फूड मटेरियल उसको दिखता तो ये झटके से अपनी जीभ को बाहर फेंकता है, जिससे वो, और इसकी जीभ, एक बात आपको और बता दें, फ्रॉग की जो जीभ होती है वो बहुत चिपचिपी होती है, तो कोई भी कीड़ा इसमें, ये देखिए चिपक गया, चिपक जाता है, फिर ये इसको मुंह के अंदर कर लेता है और वहाँ पे उसे शैलो आउट कर देता है, मतलब उसे लील जाता है और बॉडी में इसको पोषण मिलता है। गाय हमारी जो है सक्स फूड, ये क्या करती है, अपने होठों से खाती है, तो ये अब मुँह क्या, होठों से मुँह के अंदर घास को खींचती है और फिर च्यू करती है। और हम जो एनिमल्स, हम लोग हैं, जो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं, देखिए ये फूड को चम्मच की सहायता से, हाथ किसी भी तरह से अपने मुँह में रखते हैं और फिर दांतों की सहायता से उसको च्यू करते हैं, और च्यू करके उसको, इसके लिए हमारे हमारे जो फेस में दांत का सेट होता है, दोस्तों फ्रेंड बच्चों, दांत का सेट तो सबके पास है, तो हमारे जो दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी दांतों का अलग अलग कार्य होता है, भोजन के साथ किसका क्या कार्य है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप न्यूट्रिशन, वापस आते हैं न्यूट्रिशन पे। तो जो एनिमल्स
सिंपल सी बात है कि हमें सर्वाइव करने और ग्रो करने के लिए एनर्जी जहाँ से प्राप्त होती है उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। जहाँ यहाँ पे एक लाइन और बहुत जरूरी आपको बतानी, द फूड दैट एनिमल्स ईट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी यूज बाई द बॉडी टू गेट एनर्जी। तो वो फूड जो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज करते हैं तो सारा जो है हमें एनर्जी के रूप में नहीं मिल पाता है, उसमें से केवल दस इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस सो दैट वी बॉडी कैन अब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन। मतलब हम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड मटेरियल लेते हैं वो हमें बॉडी में वैसे वैसे अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो क्या होते हैं सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं भोजन का पाचन। बच्चों हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे मुंह में भोजन जाता है तो हमारे मुंह में जो सैलिवा होती है, लार जो होती है, वो भोजन में मिल जाती है और वहीं से उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है और वो पचते पचते सिंपलर फॉर्म में टूट जाती है और जब वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में आ जाती है तो हमारी बॉडी द्वारा वो पोषक तत्व अब्सॉर्ब कर ले जाते हैं जो हमें एनर्जी देती है, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, सारे पार्ट्स न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, तो जो कुछ पार्ट न्यूट्रिशन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए हेल्प करते हैं और इसके अलावा जो पार्ट हमारी बॉडी में बच जाते हैं वो एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाते हैं, ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कैसे पोषण होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा को सभी जानते होंगे, पिछले क्लासेस आपने पढ़ा होगा। अमीबा जो है प्रोटोजोआ फाइलम का जो ये एनिमल है और ये इसका कोई शेप डिफाइन नहीं होता बच्चों, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा और ये भी अमीबा है, तो अमीबा का कोई शेप डिफाइन नहीं होता। इसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, पूरे जैसे हमारे दिमाग में हमारे माइंड हमारे सर में माइंड होता है और वह पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, वैसे इसका जो न्यूक्लियस है ये इसकी पूरी अमीबा की बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये जो इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पसिडोपोडिया। तो जब इसमें भोजन ग्रहण करने का या इसमें भोजन जब ये ग्रहण करता है तो जब कोई कीट इसके पसिडोपोडिया के पास आता है तो इसका जो पसिडोपोडिया है वो इस तरह से फैलने लगता है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाने लगता है, उसके आसपास घेरा बनाने लगता है। फिर कीट जब उसमें फंस जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये फूड वैक्यूल कहलाते हैं। अब इसके अंदर कीट फंसा होता है और ये पचने के बाद इसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं या जो न्यूट्रिशंस निकलते हैं वो अमीबा को पोषण देता है, इस तरह इसका पोषण होता है। और जो इसमें से जो वेस्ट मटीरियल निकलता है वो इस तरह से बॉडी से पसिडोपोडिया के द्वारा ही थ्रो आउट कर दिए जाते हैं। तो वेस्ट को अमीबा की बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो इजेशन कहलाती है। और ये जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है ये फूड वैक्यूल से होती है, ओके। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल किस तरह से पोषण ग्रहण करते हैं वो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। और अभी आप जो है न्यूट्रिशन इन इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर की जो नोट्स है वो आपको दे दी जाएंगी, आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का जो चैप्टर है वो पार्ट सेकंड में डिवाइन किया जाएगा, जिसमें आपको न्यूट्रिशन इन हाइड्रा है, इसके अलावा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है। तो बच्चों न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों हमारे भोजन जो हम मुंह में खाते हैं तो मुंह से ही हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो हमारे हमारे मुंह से जो है फूड वे मुंह से ही हमारे जो होती है एक नली टाइप की जाती है, फूड पाइप कह सकते हैं, तो वहाँ से उसका पाचन होता है। फिलहाल आप जो है आप न्यूट्रिशन इन हाइड्रा इसको पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स इसके जो हेड पार्ट आप कह सकते हैं हाइड्रा में, हेड पार्ट्स, हाइड्रा की बॉडी कुछ इस तरह की होती है और इसमें क्या होते हैं कि हेड पार्ट पे ही माउथ लगा होता है और बाकी ये इसके आर्म्स होती हैं। तो जब भी कोई कीड़ा इसके हेड पार्ट पर यहाँ आके बैठता है तो इसके जो इसे टेंटिकल्स कहते हैं, जो आर्म्स है इसे टेंटिकल्स कहते हैं, तो इसी से अट्रैक्ट होकर कीड़ा इसके माउथ के पास बैठता है और यहाँ पर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता रहता है बहुत चिपचिपा सा, तो जिसमें कीट जो है फंस जाता है और ये इसकी बॉडी में यहाँ ऐसे शैलोड हो जाता है और फिर अंदर जाके बॉडी पच जाती है और कीटों का जो पोषण होता है वो हाइड्रा को मिल जाता है और हाइड्रा ग्रो करता है। तो हाइड्रा अमीबा और हाइड्रा सेम है,
लगभग सेम है, लेकिन ये बच्चों प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल है और ये जो है ये पोरीफरा फाइलम का एनिमल है। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले, इस एंटायर वर्ल्ड में पाए जाने वाले सभी एनिमल को 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है और हम लोग जो है वो कॉर्डेटा फाइलम से आते हैं। कॉर्डेटा मतलब वेल डेवलप्ड हैं हम लोग, और ये सभी जो है अच्छे से डेवलप नहीं है। ये सबसे फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ का है और ये जो 10 फाइलम, ये मैं आपको डिफाइन कराऊंगी लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे ध्यान रखिए और इतना करने के बाद आप नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इसको पढ़ लेंगे, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगी। तो आप इन सबको पढ़ के एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा और पिछले का आपको सॉल्व जो है मैं कैंपस ऐप पे अपलोड कर दूँ, वहाँ से आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड चैप्टर को अच्छे से रीड करके अमीबा और हाइड्रा के बारे में पढ़ लेंगे। जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट क्लास में क्लियर करेंगे और कम्प्लीटली इसको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों पढ़ाऊंगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का जो न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए न्यूट्रिशन के लिए भोजन को, पोषक तत्व को लेने के लिए सबसे पहले तो हमें वेल डिफाइंड जो है तीत दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के तीत हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आप अच्छे से पढ़िए और अपने ऑनलाइन क्लास को सीरियसली लीजिए और सभी डाउट्स क्लियर करिए आप अपने डाउट्स क्लियर में, जिसके लिए आप जूम ऐप से टीचरों से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।